कल राजसमंद जिला मुख्यालय के राजनगर क्षेत्र में एक भव्य संगीतमय हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के बाद की कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही है जिनको देखकर वहां के लोग आक्रोशित भी थे और गुस्सा भी थे। मामला कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि उस कार्यक्रम में एक बड़ी संख्या में लोग आए थे और उनकी कार जहां खड़ी थी वहां पर कुछ गाड़ियों के कांच तोड़ दिए गए। बताया जा रहा है कि दो कारों के कांच तोड़े गए हैं और साथ ही एक ऑटो रिक्शा के कांच भी तोड़े गए हैं। जब ये खबर इस घटनाक्रम की जानकारी लोगों तक पहुंची, कार्यक्रम की समाप्ति के बाद जब लोगों को पता चला कि इस प्रकार की एक घटना यहाँ असामाजिक तत्वों ने अंजाम दी है, तो उसके बाद लोग वहाँ आक्रोशित हो गए। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी भी मौके पर थी और सभी ने फिर इसकी शिकायत पुलिस को की और पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द कार्रवाई करके इसके दोषियों को पकड़ा जाएगा। साथ ही मौके पर उपस्थित सभी लोग आक्रोशित दिखाई दिए और एक ऐसे कार्यक्रम के बाद इस प्रकार की घटना के सामने आने पर लोगों में नाराजगी भी थी, गुस्सा भी था। लोगों ने जल्द से जल्द दोषियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की पुलिस से मांग की। सकल हिंदू समाज की बात है, हिंदू समाज की बात है। शांति पूरा प्रोग्राम है, उसके बाद में बात होगी। बिना उसके नहीं रहना चाहिए, बस हमें तो ये चाहिए कि कौन किसने करा है। जो FIR दर्ज करूंगी वो तो आप करोगे करोगे, कल तक हमें इसकी ढिलाई मत करेंगे। ढिलाई नहीं, कल तक चाहिए हम लोगों को, कल तक नहीं। अगर ये तो अपन ने प्रोग्राम बीच में किया गया प्रोग्राम, जो भी एंट्रेंस का एग्जिट के कैमरे लग रहे उसमें हम भी पहुँचे। ये इस कार्यक्रम को खराब करने के हिसाब से हुआ। कोई प्रोग्राम नहीं था, सबको आपको बुलाया गया था। अब आप सतनाम सिंह जी, सबसे पहले तो दर्ज करो ये भी ऑटो, कैसे दर्ज करो ये, इसके भी ऑटो। चंदन चंदू भैया, चंदू भैया, मेरी बात आप आराम हो, बोलो। हम दोनों आए थे बिल्कुल, मैं आपकी बात समझती। 9:30 इस तरीके का व्यवहार बर्दाश्त किसी को भी बर्दाश्त, जो भी है इसके पीछे वो हमें कल तक चाहिए। बस 100 बात की बात है, उसको हम 10 बार भी बोलेंगे, सब अलग अलग भाषा में भी बोलेंगे, तो भी बात यही है कि अगर ये बदमाश को पकड़ना है ताकि हमारे यहाँ पर शांति रहे, क्योंकि अगर ये कार्यक्रम को खराब करने के लिए किसी ने प्रायोजित करा है कि इसलिए हम कर रहे हैं, तो फिर शांति कहीं ना कहीं भंग होगी। ये किया कार्यक्रम खराब करने के लिए किया है, ये हमसे निवेदन है कि ये कार्यक्रम शांति भंग करने का ही नहीं, और फिर वो शांति भंग ना आप चाहते हो ना हम लोग। पूरा सकल हिंदू समाज का कार्यक्रम था, किसी पर